यार अरूप हमेशा मेरी स्मगलर वाली फोटो आती है यार, तुम्हारी देखते हैं भाई। ओए ड्रग डीलर, ओए खा गया ब्रो। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और यार सुबह सुबह हम लोग उठ गए हैं। तुम लोगों को कल बताया था कि यार हमें जो है ना तुर्की का वीजा अप्लाई करना है सुबह सुबह उठ के, इसलिए जो है ना आपका भाई रेडी हुआ हुआ है, पप्पू बन के मुंह हाथ धो के कपड़े शपड़े पहन के। मैंने कहा वहां पर वीजा ऑफिस के अंदर जब आपका भाई एंट्री मारेगा तो हो सकता है मुंह देख के ही वीजा दे दें, वरना चप्पलों में जाऊंगा कच्छों में जाऊंगा मुंह धोए बगैर। तो फिर तो उन्होंने साल बाद भी वीजा नहीं देना, उन्होंने कहना है पता नहीं क्या बम धमाके करने जा रहे उधर। बात सही है। एनीवेज वेलकम बैक हो गया तुम सबके अनदर व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई व्लॉगिंग ज्वाइन नहीं किया हुआ तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। निकल। और यार कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहाँ पे मैं सी फूड वगैरह ट्राई कर रहा था, लॉबस्टर क्रैब्स और प्रॉन्स वगैरह, तो मुझे नीचे कुछ लोग कमेंट के अंदर कह रहे थे कि ये हलाल नहीं है। अच्छा हमको सिखा रहा है भाई। अब आपको एक चीज की नॉलेज नहीं है इसलिए मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जो है ना हम एक बेसिक गूगल सर्च कर लेते हैं जो तुम लोगों को भी कर लेनी चाहिए थी कमेंट करने से पहले। आर ऑल सी फूड हलाल? तो गूगल भाई साहब हमें क्या कहते हैं, ऑल काइंड ऑफ फूड फ्रॉम द सी आर परमिसिबल। परमिसिबल का मतलब ये है कि अलाउड। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ वाटर एनिमल व्हिच आर फॉरबिडन सच एज क्रोकोडाइल फ्रॉग्स एंड टर्टल्स। यानी कि मगरमच्छ मेंढक और कछुए वगैरह जो है वो हलाल नहीं है। इसके अलावा अगर सी फूड मरा हुआ भी हो ना तो वो भी हलाल है। और अगर तुम लोग की अभी भी तसल्ली नहीं हो रही तो कुरान के अंदर सूरह अल माईदा वर्स नंबर 96 क्या कहता है, इट इज लॉफुल फॉर यू टू हंट एंड ईट सी फूड। लॉबस्टर क्रैब्स प्रॉन्स शेल्स स्क्विड ये सारे जो है सी फूड कैटेगरी के अंदर आते हैं और ये हलाल है। अगर हलाल ना होता ना तो जिस रेस्टोरेंट से हमने खाया ना वो पाकिस्तान में है, वो दो मिनट के अंदर जो है ना सी लोग के जेल में बैठे होते जिन्होंने वो रेस्टोरेंट खोला है। अब तुम लोग खुद ही बताओ कि पाकिस्तान के अंदर वो रेस्टोरेंट है और वो तुम लोगों को लगता है कि वो हराम बेच रहे होंगे। और अगर तुम लोगों को अभी भी तसल्ली नहीं हो रही या तुम लोगों ने मेरी नहीं सुननी तो तुम लोग यूट्यूब पे अपने फेवरेट स्कॉलर्स को सर्च करो, कोई भी हो सकता है, डॉक्टर जाकिर नाइक हो सकते हैं या मौलाना तारिक जमील हो सकते हैं। आप उनका नाम लिखो आगे सी फूड लिख दो, आपको उनके बयान वगैरह मिल जाएंगे, वो आप खुद जाके उनके लेक्चर वगैरह सुन लेना। ईटिंग ऑक्टोपस इज हलाल Full stop. All creatures that live in water are halal to us unless they are toxic or harmful. Everything that lives in the water is permitted for us to eat, including squid, as they call it, or octopus. जैसे हम लोग out of country जाते हैं तो हम लोग भूखा मर जाते हैं, लेकिन हम लोग मतलब चिकन नहीं खाते क्योंकि हम लोगों को होता है कि ये किसी गैर मुस्लिम ने ज़िबा की है, तो हम लोग इस चीज का भी अगर इतना ख्याल रखते हैं तो why would we do so? यार बाहर के मुल्क हम जाते हैं ना जहाँ हमें पता होता है कि वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे हम लोग यही खा के गुजारा करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये हलाल है, सी फूड हलाल है, लॉबस्टर क्रैब्स प्रॉन्स स्क्विड शेल्स ये सब हलाल है। मैं जब भी सुशी खाता हूँ मुझे तो वहां पे भी लोग कह रहे होते हैं कि ये हराम है, क्या हो गया यार। खैर चलो, अगर तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी गूगल पे अपने किसी फेवरेट स्कॉलर को सुन लो और नॉलेज के साथ कमेंट किया करो। पर अभी जो है ना हमें जाना है तुर्की वीजा ऑफिस, वहां पे तुर्की का वीजा अप्लाई करना है, पहले ही लेट उड़े निकलते हैं भाई। अभी जो है अरूप का फोटो सेशन हो रहा है जो हमने उधर तुर्की एम्बेसी जमा करवाना है। ये हमारे फोटोग्राफर भाई हैं, अच्छी सी फोटो लेना यार इसकी। ये साथ की फोटो ली जा रही है, सारे से छोटे बच्चों की तरह बैठा हुआ है साथ, थोड़ा हंस लो साथ को मार के बिठाया हुआ है। पिटाई की आपकी किसी ने? थोड़ा सा एडिट भी कर देना भैया, ये बेचारे की फोटो बहुत बुरी है। फोटोज तो देखें यार हमारी कैसी आई हैं। यार अरूप हमेशा मेरी स्मगलर वाली फोटो आती है यार, स्मगलर वाली शक्ल है तो स्मगलर वाली ही फोटो आएगी, तुम्हारी देखते हैं भाई। ओए ड्रग डीलर ड्रग डीलर लग रही है भाई तुम। डीलर ही लग रही, वो लग रही हूँ ड्रग्स करने वाली लग रही हूँ। नहीं नहीं रूप ड्रग डीलर लग रही है तुम। तो अभी जो है ना हम लोग तुर्की के वीजा ऑफिस बैठे हैं फॉर्म वगैरह फिल करने, दुआ करो वीजा लग जाए भाई आजकल में है। चलो अरूप मैं तुम्हारा फॉर्म फिल कर देता हूँ। व्हाट स्टडीज यू हैव कंप्लीटेड और करंटली स्टडीइंग? फेल्ड इन एवरी सब्जेक्ट। होटल पूछ रहे, वो कह रहे हैं कि होटल किस में रहना है आपने। इनको बता दें कि फुटपाथ पे सोएंगे हम। तो वीजा ऑफिस से हम लोग हो गए हैं फारिग, ठीक है फॉर्म वगैरह फिल हो गए हैं, बस वीजे का इंतजार करने देखने का बात है। One hour later. तो अभी जो है ना मैं तुम लोगों को एक भाई से मिलवाता हूँ, ये हैं शाहरुख भाई। आपको देख के तो लग रहा होगा कि ये सनसिल्क के एड के अंदर आते हैं, लेकिन भाई ये जादूगर है, क्या लेवल के जादूगर है। तुम लोग ट्रिक्स देखो एक बार, प्लीज नॉट ट्राई दिस एट होम। तेरे भी खासतौर पर छोटे बच्चे हैं, वो घर में करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। सुन लिए सुन लिए देर है सुन लिया रूम, छोटे बच्चों को उन्होंने मना कर दिया भाई। नॉर्मल था क्या? हाँ तो आपने करा और अब आप करने के वाले, गौर से देखिएगा, बट प्लीज जितने भी देखने वाले डू नॉट ट्राई दिस एट होम। मुंह में डाल लिया भाई।
मरने वाला है भाई। ओह नो 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 व्हाट द फ नहीं ओए नहीं 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 डोंट डू दैट ओए ओए कसम है निकल रहे ओए व्हाट द What the f- Oh my god! मुझे तो देख के कुछ हो रहा है। वे नहीं करो यार, नहीं करो। ओए होए होए। भाई उसने मुंह में धागा डाला है, अब आंख से निकल रहा है। निकल आया। एक से तीन अदद फॉक चाहिए तो फॉक मिल जाएंगे, कांटे मिल जाएंगे मुझे। कांटे कांटे ले आओ जी। फॉक है हमारे पास, कांटे। हाँ हाँ ठीक है, और सुनो सही, मैं चेक करूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। हाँ मैं स्वरूप इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लूँ तेज। ठीक है, अब वॉच वॉच इधर देखिए, मेरी तरफ। हाँ हाँ मेरी तरफ देखते हैं। एक सेकंड एक सेकंड, क्या होने वाला भाई? ओ एक सेकंड, नहीं हुआ अभी। मैं तो रूप की फोर को देख रहा है, शुक्ल तो यहाँ पे लग रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है शाहरुख भाई, मजा आ गया। और कोई शुक्ल मिला? पर पहले मुझे चाहिए 1000 का नोट। 1000 का नोट? 1000 रुपए देने? 1000 रुपए बड़ी मुश्किल से जमा किया। हर चीज फेयर है, ऐसा नहीं है कि मेरा है। वॉच करना है क्या है कि 1000 का नोट लेना है, ठीक है, उसको हल्की सी क्रीज लगानी है, ऐसे लग गई कर दी और उसका आपने ओए जाया हो गया नोट। जैद जैद भाई पैसे जाया हो जैद, नोट जाया हो गया सर। इससे अच्छा बर्गर खा लेते इसका यार। क्या क्या नहीं होता कराची का, हम तो दो तीन दिन ले लेते। वॉच वॉच वॉच, ओए खा गया ब्रो। ये हुआ कैसे? हुआ कैसे? सवाल ये है, आपने सबसे पहले अपना मोबाइल निकालना है। यूं करना है, यहाँ से नोट हो गया। ओए ओए, और ये तो गया। नोट वापस आएगा ना? पता नहीं कब आएगा। क्या करेंगे इसका? अच्छा हम करने के वाले, आपने इसको पकड़ा ऐसा, आपने इसको हल्का सा मूव करा, हिला, आपने लिए और उसको ऐसे उछाल के फेंकने के हाथ में आ जाएगी ऐसे, और ये नो। अरे क्या लाओ भाई, मैजिक वैजिक तो देख लिया, लेकिन अब मैं तुम लोगों को एक और मजे की चीज दिखाता हूँ। सर कामरान तस्वरी साहब ने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसका नाम उन्होंने रखा है ताकतवर पाकिस्तान। अब ये जो डब्बा है ना, इसके अंदर आपको ये सामान मिलेगा। कुकिंग ऑयल है, चावल है, आपके पास दालें हैं, नमक है, आपके पास चीनी है, आटा है। तो यानी कि पूरा का पूरा राशन बॉक्स जो है ये गवर्नर सिंह डेली कोई 2 से 3 हजार लोगों को बांटते हैं। और मैं तुम लोग को एक चीज और बता दूं कि ये 1.5 लाख लोगों तक बांट चुके हैं, और अभी तक डब्बों की जो है उन्होंने लाइन लगाई हुई है। एक रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध या पाकिस्तान या गवर्नर हाउस का नहीं है। और इंशाल्लाह 20 लाख तक हम लोगों को ये राशन बॉक्सेस देंगे। अपनी रजिस्ट्रेशन कराए और आके राशन ले ले। तो अब हम लोग आ चुके हैं मार्की नंबर 2 पे। सबसे पहले तो तुम लोग देख सकते हो एक 24,000 स्क्वायर फीट की जो है यहाँ पे फ्लोरिंग हो चुकी है। तुम लोगों को मैंने एक पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि गवर्नर साहब IT कोर्सेज जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। 50,000 बंदा सिलेक्ट हो चुका है जो इस मार्की के अंदर पड़ेगा एयर कंडीशन के साथ। ये तुम लोग देख सकते हो ACs लग रहे हैं, कुछ 40 ज्यादा के करीब जो है ACs लग रहे हैं। बाकी जो 4.5 लाख हैं वो भी ऑनलाइन हमारे साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Web3 के कोर्सेज करेंगे। और इंशाल्लाह यहाँ 1000 लोगों की कंप्यूटर लैब होगी। 20 के करीब वॉशरूम्स जेंट्स और लेडीज के अलग-अलग हैं। कैफेटेरिया बन रहा है, और जो वादा किया गया था कि एक यूनिवर्सिटी होगी उसको पूरा कर रहे हैं। तो एक चीज मैंने और तुम लोगों से डिस्कस करनी थी कि मैं सर कामरान तस्वरी साहब का चैनल नीचे दे रहा हूँ, थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं। मैं तो कहता हूँ तुम लोग जाओ फटाफट जो है लाख सब्सक्राइबर कर दो। राशन वाला
वाला सिस्टम रखा, उन्होंने आईटी वाला सिस्टम रखा। हम लोगों का भी बनता है कि उनके यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करो, नीचे मैंने लिंक दी होगी। थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं, मैं तो कहता हूँ आज ही जो है ना उनके लाख करवा दो। हाय तो यार यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, काफी थक गए आज। बखैर अब हमें कल तक का इंतजार करना है, हमारा काश वीजा आ जाए ताकि हम लौट जाए, होपफुली आ जाएगा। ठीक है फिलहाल मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के टक्की भाई व्लॉग गैंग को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल। ओ काफ़िर।